हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज इतनी लेट ब्रेकफास्ट गोइंग ऑन, व्हाट्स रॉन्ग? बिल्कुल बढ़िया. हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई एम ऑल गुड, थैंक यू. हाउ आर ऑल ऑफ यू? Morning and a wonderful day to all of you as well. Game cho, ami maja ma. Oh wow, thank you. So all prepped up for today? कोचिंग से लेट आने में लेट हो गया. ओके, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? तैयारी कैसी चल रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग द रेगुलर मॉक्स एंड रेगुलर पेपर्स एंड ऑल? कौन कौन है यहाँ पे जो रेगुलर मॉक्स एंड ऑल अपियर कर रहा है अभी से ही, या यू हैव पोस्टपोन्ड इट टू फेब्रुवरी? आई वुड सजेस्ट शुरू कर देना चाहिए. यू ऑल शुड बिगिन द मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नाउ. I am from Rajasthan. Exclusive morning. Okay, so all up for today now? All in for the session? Okay, Siddhant, regular mocks are going on. That's good. I hope you are going for a good quality ones. SSC pawns postponed and NABARD started. Reasoning score is good. Maths mein thoda issue hai. Then you need to start working on maths now. Maths ke extra papers solve karna shuru kar dena chahiye. Fir online mode mein. Now I will suggest all of you to go for online mode. Rather than taking the sample papers book form mein lene se achha online mocks attend karo, online sample papers dekho, because your paper is going to be in the mode of online. Aapka paper online mode mein hoga, and paper form se karne mein aur online mode se karne mein difference aata hai. There's a difference of time taken for a question. Sab cheezon mein difference aata hai. Therefore I'll suggest that you all begin taking online mocks rather than. Okay, Sneha is preparing for AFCAT. AFCAT ki tayari kar rahe ho to uske liye to abhi you can work on static. Usme sample papers lo aur static mein thoda sa zyada dhyan do. Maths and all agar theek thaak hai to you'll be able to clear that one. Won't be that tough. No, tomorrow class was not at 5 pm. Hari Om. Kal class sirf ek bar hui hai. जीके कैसे करना है? फॉर जीके यू कैन आइदर लुक एट सैंपल जो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में पेपर्स मिलेंगे, उनके अंदर क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों हेल्पफुल रहेंगे. तो यू कैन गो फॉर दैट. दैट विल कीप यू इन टच विद लेटेस्ट जो भी स्टैटिक में चल रहा है, क्वेश्चन पैटर्न क्या चल रहा है. एंड लूसेंट वगैरह तो आई गेस कर ही रखी होगी सबने. सो बेसिक आइडिया सबको होगा ही. एंड देन यू गो फॉर सैंपल पेपर्स एंड स्टैटिक के लिए जो या पुराने पीवीएस या पेपर्स वगैरह हैं, पैटर्न चेक करो कौन कौन से स्टैटिक्स किस हिसाब से आते हैं. एक दो गलत हो ही जाते हैं. स्कोर 44-46 आउट ऑफ 50, दैट्स गुड. थोड़ा सा और हो जाएगा सिद्धांत, वोंट बी टफ. चलो तो आज का सेशन बिगिन करते हैं. लेट्स रिज्यूम द सेशन फॉर टुडे. पीपल गेट बोर्ड विद शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ. इजराइल इज हिट बाय फ्लड, या दैट्स सैड थिंग. ऑस्ट्रेलिया में फाइनली रेनफॉल हो गई है, सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट.
रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया हैज हैपेंड, सो जो ऑस्ट्रेलिया वॉज इन फायर्स, दैट इज गोइंग टू काम डाउन अ बिट नाउ. दिव्यन्दु, अगर मैं कंडक्ट करा रही होती तो मैं जरूर बता देती कब होने वाला है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता है अभी. जस्ट एज आई विल कम टू नो, मुझे जैसे ही पता चलेगा आई लेट यू नो डेफिनेटली. स्टैटिक जीके जो आपका साइंस से आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारा स्टैटिक होता है. ओके, सो द क्वेश्चन वी हैव हेयर इज आइस डैश एंड अतिथि वॉज डेवलप्ड बाय हुम. आइस डैश और अतिथि को किसने विकसित किया, या हु हैज डेवलप्ड आइस डैश एंड अतिथि, किसने बनाया है? जितना करंट का इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल सचिन. ओके, इजी, कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरेन टूरिज्म. ओके, सीबिक, दैट्स द आंसर, दैट्स राइट. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने डेवलप किया है आइस डैश एंड अतिथि. आइस डैश एंड अतिथि वर इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए. इट वॉज बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2019 इज अ बायनियल इवेंट ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों का सम्मेलन 2019 एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, यह किस शहर में आयोजित किया गया था? आज आज के लिए और है, कल से वी आर गोइंग टू बिगिन द रेगुलर वन. सो जल्दी जल्दी इस पे आ जाते हैं, क्विक. हाउ कम ऑल ऑफ यू आर सो लेजी? सबकी मॉर्निंग लेजी हुई है क्या आज? लंदन, कोलंबो, सी. ओके, हरिओम, सुदीप, प्रदीप, सोनू, अजय, क्विक. कोलंबो ऑप्शन ए इज कमिंग एज द आंसर. ऑप्शन सी लंदन भी काफी बच्चों का आंसर आ रहा है. लंदन इज नॉट द आंसर, इट इज कोलंबो. कोलंबो के अंदर कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2019 इन विच द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस वॉज प्रेजेंट फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया. कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस? शक्तिकांत. दो क्वेश्चन हुए हैं, नॉट दैट लेट, कम ऑन. क्विक. थर्ड, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम विच सिटी क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स लेसन. किस शहर के छात्रों ने, के एक समूह ने सबसे बड़े खगोल भौतिकीय पाठ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स लेसन वॉज क्रिएटेड इन विच सिटी? रविशंकर प्रसाद, दैट इज द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दैट्स राइट. सिद्धांत, हेमलता, बोथ ऑफ यू, राज ऑल्सो. कोलकाता, ऑप्शन सी कोलकाता. सो कोलकाता में क्या हुआ था जो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां बना है? व्हाई वाज दिस रिकॉर्ड फॉर्म्ड? साइंस फेस्टिवल में ही बनाया गया था कोलकाता के स्टूडेंट्स ने. बिल्कुल सही सौरभ, इट वाज द इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विच वॉज ऑर्गेनाइज इन कोलकाता. ये कल ही बताया था, कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुआ था. इसी के अंदर फर्स्ट डे पे एस्ट्रोफिजिक्स लेसन था जिसके अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज क्रिएटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज क्रिएटेड इंडिया फर्स्ट स्टैंडिंग व्हीलचेयर? निम्नलिखित शैक्षिक संस्थानों में से किसने भारत की पहली स्थायी व्हीलचेयर बनाई है? द फर्स्ट स्टैंडिंग व्हीलचेयर. के साइंस फेस्टिवल के टाइम पे कोलकाता में, बिल्कुल सही, IISF. सो इंडिया फर्स्ट स्टैंडिंग व्हीलचेयर एंड द नेम ऑफ द व्हीलचेयर. व्हीलचेयर का नाम क्या है और किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बनाया है? यस, एन ऐप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर वोटर्स रिगार्डिंग. बेसिकली ये जो ऐप बनाया गया है इलेक्शन कमीशन का, इसके अंदर वोटर्स विल बी
innovator will be given the privilege of knowing, of sharing their views and knowing their candidates there. इसके बारे में और डिटेल में व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन द करंट सेक्शन उसके बारे में वील टॉक अबाउट इट. आई थिंक आई मैंने पोस्ट भी किया है इसके बारे में. ओके क्वेश्चन फॉर दिस आंसर फॉर दिस इज आईआईटी मद्रास नेम इज अराइज. ऑल ऑफ यू आर राइट. नेम इसका अराइज है एंड आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने ये बनाया है. नेक्स्ट विच कंट्री वॉज टर्म्ड एज द वर्स्ट अब्यूजर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम एज पर द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया रिपोर्ट. क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया सोशल मीडिया के संकट रिपोर्ट के अनुसार किस देश को इंटरनेट की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला का करार दिया गया है. द वर्स्ट अब्यूजर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम. सागर जो लास्ट अभी पेपर हुआ था इन द 2019 उस पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो करंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के कुछ 8 to 9 क्वेश्चंस वर सीन. चाइना ऑप्शन सी. चाइना इज द राइट वन. टॉप किसने किया था. द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम. इंटरनेट फ्रीडम की इस रिपोर्ट के अंदर टॉप किसने किया या इंटरनेट फ्रीडम सबसे ज्यादा किस कंट्री में है. विच वॉज द टॉप कंट्री इन दिस. ये रिपोर्ट किसने दी थी. द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द फ्रीडम हाउस. फ्रीडम हाउस ने रिपोर्ट रिलीज करी थी. क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया. इंडिया के स्कोर कुछ 54-56 के अराउंड था विच मेड इट अ मीडियोकर वन. यूनाइटेड स्टेट्स डिग्रेड हुआ था. उधर इंटरनेट फ्रीडम कम हुई है. चाइना के अंदर सबसे बुरी है ही. एंड टॉप किसने किया है. यूएसए. इंडिया. यूएसए इज ऑन द डिग्रेडेशन साइड. यूएसए नहीं था टॉप में. इंडिया का मीडियोकर रेंज था 54-56. सो नॉट इंडिया एज वेल. और कोई गेस यूएसए और इंडिया के अलावा. नो इट वॉज नॉट इंडिया. इट वॉज आइसलैंड. आइसलैंड वो इज द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम. इंटरनेट फ्रीडम की बेस्ट प्रोटेक्टर आइसलैंड है एंड वर्स्ट अब्यूजर इज चाइना. नेक्स्ट वॉट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हिट पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा रिसेंटली. हाल ही में वेस्ट बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आए चक्रवात का नाम क्या है. साइक्लोन दैट हिट द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा रिसेंटली. बुलबुल दैट्स कमिंग एज द ऑप्शन बी आंसर. ऑल ऑफ यू आर राइट इन दिस. बुलबुल नाम था उस साइक्लोन का जो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ओडिशा के कुछ पार्ट्स में हिट किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली अगर न्यूज में देखें तो बहामास थोड़ा सा पुराना है. ये भी दिस वॉज ऑल्सो अ साइक्लोन विच वॉज हिट. द नेम ऑफ द साइक्लोन वॉज डोरियन. रिसेंट अगर बात करें दो साइक्लोन या टाइफून्स हैं जो न्यूज में हैं. वन विच हिट द फिलीपींस वन विच हिट द फिजी. सो कौन से हैं दो वो साइक्लोन्स या टाइफून्स विच हैड हिट फिलीपींस एंड फिजी. फिजी इज अ काइंड ऑफ आर्किपेलेगो इन जापान. आर्किपेलेगो का मतलब क्या है. आर्किपेलेगो मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलेगो बोलते हैं. फिलीपींस में फैनफो. दैट्स राइट. फिलीपींस के अंदर फैनफो. इसका दूसरा नाम क्या था. दूसरा नाम क्या है फैनफोन. बहामास में डोरियन आया था. फिलीपींस में फैनफोन. फैनफोन का एक और नाम था. एंड फिजी का क्या नाम था. फिजी सराई हेमलता. दैट्स राइट. सराई इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हिट फिजी. उर्सुला सोनू. दैट्स राइट. इट इज उर्सुला. सो उर्सुला या फैनफोन फिलीपींस में. फिजी में सराई.
फिजी इज अ आर्किपेलेगो विच मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द बहामास के अंदर डोरियन आया था, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के अंदर बुलबुल आया था। नाउ शिशु सुरक्षा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट कमीशन ऑफ विच ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। शिशु सुरक्षा ऐप किस राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोजना सॉरी आयोग द्वारा शुरू किया गया है? शिशु सुरक्षा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? श्योर गुलशन यू में आंसर्स। हेमलता, सुराजीत, प्रदीप। ओके सो आंसर्स आर कमिंग फॉर असम एंड दैट इज द राइट आंसर। शिशु सुरक्षा ऐप जो है वो असम स्टेट कैबिनेट ने शुरू की थी ऑन द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ये ऐप शुरू किया गया था। नाउ हु वाज रिसेंटली स्वोर्न इन एज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस एंड हु वाज स्वोर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस। मॉरिशियस में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का अपॉइंटमेंट किया गया है, तो हु वाज रिसेंटली स्वोर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। हाल ही में मॉरिशियस के 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुगनॉथ, ऑप्शन डी। ओके प्रविंद जुगनॉथ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ यू गोइंग विद ऑप्शन डी, प्रविंद जुगनॉथ। दैट इज राइट। प्रविंद जुगनॉथ पहले से प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज अ टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद इनकी पोजीशन अब परमानेंट कर दी गई है। सो पृथ्वीराज प्रेसिडेंट अभिमन्यु, दैट्स राइट। पृथ्वीराज रूपन, पृथ्वीराज सिंह रूपन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस, वेयर एज प्राइम मिनिस्टर इज प्रविंद जुगनॉथ। नाउ विच सिटी वुड बी द होस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडिया जॉय, इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल एंटरटेनमेंट फेस्टिवल, भारत के सबसे बड़े डिजिटल मनोरंजन महोत्सव इंडिया जॉय के लिए कौन सा शहर मेजबान होगा? होस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडिया जॉय, इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल एंटरटेनमेंट फेस्टिवल होता है ये, कहां पर होगा? गुलशन, मितुल, किशन, दिव्येंदु, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, शामली, हेमलता, ऑल विद न्यू दिल्ली। ऑल ऑफ यू गोइंग विद न्यू दिल्ली, आई लाइक इट। ऑल ऑफ यू विद ऑप्शन ए, सम गोइंग विद ऑप्शन डी, सम विद ऑप्शन सी, मेजॉरिटी ऑप्शन ए के साथ। ऑल दोज हु हैव वेंट विद ऑप्शन ए, ऑल ऑफ यू कैन रिड्यूस 1 मार्क्स। इट इज हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर इंडिया जॉय यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था। Who has launched Starlink satellite? Starlink उपग्रह किसने लॉन्च किया है, या Starlink का जो प्रोजेक्ट है ये किसका प्रोजेक्ट है? और अभी रिसेंटली हमने बात करी थी एक Amazon के प्रोजेक्ट की, इसी तरह का कुछ एक Amazon का प्रोजेक्ट है, एक कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट, उसका नाम क्या है? सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट ऑफ एमेजॉन, और स्टारलिंक वाला प्रोजेक्ट किसका है? के फरूक, सुराजीत, शहजाद, मितुल, सूरज, सोनू, के स्पेसएक्स। ऑप्शन ए मेजॉरिटी, और ऑन दैट कुछ नासा के साथ है मेजॉरिटी, स्पेसएक्स। वनक्कम सुरेश, एंड यस यू आर डेफिनेटली लेट। स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स का प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक एक वही कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट है ब्रॉडबैंड की रेट्स चीप करने के लिए, एंड इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? इट इज ऑफ इलॉन मस्क, एंड
उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कॉन्स्टिलेशन प्रोजेक्ट एमेजॉन का है उसका नाम क्या है? शहजाद हैज सेड दैट इज राइट, एमेजॉन का प्रोजेक्ट है क्विपर। क्विपर इज द प्रोजेक्ट ऑफ एमेजॉन, मच लोअर देन स्टारलिंग। स्टारलिंग से बहुत लो है लेवल में, लेकिन इट इज समथिंग ऑफ दैट सेम आइडियोलॉजी। नाउ इंटरनेशनल स्कोराना सैंड नेटिविटी फेटे कहां पर हुआ था, या वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्कोराना सैंड नेटिविटी फेट हेल्ड? अंतरराष्ट्रीय स्कोराना सैंड नेटिविटी पार्टी कहां आयोजित की गई थी? ये सम्मेलन अधिकतर दिल्ली में ही होते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है और इसीलिए दिल्ली को ऑप्शंस में डाला भी जाता है। ओके, सो सुरजीत सेज इटली, फरूक इटली, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन अवार्ड इन द फर्स्ट इंडियन, जिसे जिसे सैंड आर्ट के लिए अवार्ड मिला हो, दैट फर्स्ट इंडियन इज सुदर्शन पटनायक। तो पहले भारतीय जिन्हें सैंड आर्ट के लिए अवार्ड मिला था, दैट इज सुदर्शन पटनायक। और ये अवार्ड मिला था इंटरनेशनल स्कोराना सैंड नेटिविटी फेट में, जो इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय साइमन टोफल? साइमन टोफल ने जो बुक लिखी है वो क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय साइमन टोफल? और साइमन टोफल कौन है? हु इज साइमन टोफल, या व्हाई इज ही फेमस, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? ही मेड अ स्कल्पचर ऑफ महात्मा गांधी, पिक्चर नहीं, स्कल्पचर। प्रदीप, सैंड से स्कल्पचर बनाई थी। फाइंडिंग द गैप्स, पीयूष के, राज, सोनू, सुराजीत, फिलिंग, फाइंडिंग, फाइंडिंग ऑप्शन बी। हु इज साइमन टोफिल? अमेरिकन अंपायर, फॉर्मर अंपायर। वेल, ही इज अ फॉर्मर अमेरिकन एम्पायर। 6 टाइम्स बेस्ट एम्पायर का अवार्ड मिला हुआ उन्हें, आईसीसी के बेस्ट एम्पायर का अवार्ड फॉर 6 कंजेकेटिव ईयर्स। 6 साल लगातार उन्हें बेस्ट एम्पायर का अवार्ड मिला है आईसीसी की तरफ से, एंड द बुक इज फाइंडिंग द गैप्स। इमान वॉज द लास्ट सर्वाइविंग सुमात्रन राइनो ऑफ विच कंट्री? इमान किस देश का अंतिम जीवित सुमात्रन राइनो था? सुमात्रन राइनो एक एक्सटेंट स्पीशीज है। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट? एक्सटेंट स्पीशीज है सुमात्रन राइनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट? मालदीव्स, मेडागास्कर, पीयूष, शहजाद, आकाश, भानु, हरिओम, सुमंत। ओके, अ लॉट ऑफ आंसर्स यार। विकास देशमुख, वी हैव आंसर्स फॉर मलेशिया, वी हैव आंसर फॉर मालदीव्स। वेल, ये मलेशिया के का हाई का लार्जेस्ट सॉरी लास्ट सर्वाइविंग राइनो था। एक्सटेंट का मतलब विलुप्त नहीं होता है। सुमात्रन राइनो जो इमान था वो सुमात्रन राइनो था, मलेशिया का लास्ट सुमात्रन राइनो था। अभी भी ये है इन द रीजन ऑफ कालीमंतन। अगर ये यहाँ पे 2016 में स्पॉट नहीं होता तो इसे एक्सटिंक्ट बोलते, लेकिन अभी इसे एक्सटेंट बोलते हैं। कालीमंतन से एक और न्यूज रिलेटेड है, आई एक्सपेक्ट यू टू नो दैट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? एक्सटेंट का मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स अभी भी अवेलेबल है, यानी कि उसके फॉसिल्स भी बन गए हैं, लेकिन वो लिविंग भी है। लिविंग फॉसिल्स जिसके होते हैं, उन स्पीशीज को हम एक्सटेंट बोलते हैं। दो स्पीशीज जो बहुत पहले से हैं, यानी कि इतने पुराने हैं कि उनके फॉसिल्स भी अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन अभी भी दे आर एबल टू सर्वाइव, उन स्पीशीज को हम बोलते हैं एक्सटेंट स्पीशीज। अगर ये ईमान अगर कालीमंतन में स्पॉट नहीं होता तो सुमात्रन राइनो अभी एक्सटिंक्ट हो जाता फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अभी ये कालीमंतन रीजन के अंदर है। कालीमंतन रीजन किस आइलैंड पे है?
एक्सटिंक्ट मतलब इट इज नो मोर ऑन अर्थ। इंडोनेशिया का कैपिटल वहां शिफ्ट होने का आसार है बोर्नियो आइलैंड। दैट इज राइट, बोर्नियो आइलैंड पे है कालीमंतन रीजन, एंड वहां पे कुछ स्पीशीज सुमात्रन राइनो के फाइंड किए गए थे। नाउ फ्लावर्स ऑफ टॉलरेंस विच रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इज अ कार्पेट फ्रॉम विच फ्लावर्स। फ्लावर्स ऑफ टॉलरेंस जो हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, वह किन फूलों से बना हुआ कालीन है? Yes, it's a waiting capital. 10 years का टर्म इन्होंने लिया है, अभी प्रेजेंटली इंडोनेशियन है, कि 10 years के अंदर विल शिफ्ट द कैपिटल। करंटली कैपिटल उनकी जावा आइलैंड पे है, सो जो जकर्ता है वो जावा आइलैंड पे है, और जो न्यू कैपिटल होने वाली है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट टू बोर्नियो आइलैंड। मैरीगोल्ड ऑप्शन सी राइट, मैरीगोल्ड बेंगलुरु इन दुबई, बिल्कुल सही। मैरीगोल्ड फ्रॉम बेंगलुरु, बैंगलोर से मैरीगोल्ड यूज किए गए थे, और उन फ्लावर्स को यूज करके फ्लावर्स ऑफ टॉलरेंस कारपेट बनाई गई थी इन दुबई। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू यूएई रिसेंटली, या हाल ही में यूएई में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशिकांत, वही तो अभी बताया, सुमथरन राइनो जिसका नाम ईमान था। पवन कपूर, ऑप्शन ए विकास, अभिमन्यु, सोनू। ओके, अ लॉट ऑफ आंसर्स विद ऑप्शन ए, दैट्स राइट। अभी तक नवदीप सिंह पुरी थे, लेकिन अक्टूबर एंड में उनका टर्म पीरियड एंड हो गया, सो नवदीप सिंह पुरी की जगह ली है पवन कपूर ने। नवदीप सिंह की बुक थी विच वॉज बाय द नेम खूनी वैसाखी, जिसका इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन यूएई के अंदर लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो काफी न्यूज में भी रहा था। नाउ विच गल्फ कंट्री वॉज द रूपे कार्ड लॉन्च रिसेंटली, हाल ही में रूपे कार्ड किस गल्फ देश में लॉन्च किया गया था? विच गल्फ कंट्री सॉ द लॉन्च ऑफ रूपे कार्ड रिसेंटली? यस, हिमलता, ट्रांसलेटर ऑफ खूनी वैसाखी इन इंग्लिश। ओरिजिनल बुक इसकी पंजाबी में है, बाय हिज ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी। फर्स्ट गल्फ कंट्री कौन सी है? द फर्स्ट गल्फ कंट्री, फर्स्ट गल्फ कंट्री कौन सी है जहां पे रुपे कार्ड लॉन्च हुआ था? UAE, someone has said that as well. That's right. So first Gulf country UAE था जहां पे रुपे कार्ड लॉन्च हुआ, और रिसेंटली सऊदी अरेबिया के अंदर लॉन्च किया गया था इन द रिसेंट पैक्ट विच हैपेंड, जिसके अंदर बायलैटरल एक्सरसाइज की भी बात हुई थी और इसके अंदर रुपे कार्ड का भी हुआ। करंट चेयरपर्सन ऑफ एपेक, ओके दिस वन हैज चेंज्ड फॉर 2020 एंड द ऑप्शन में नहीं है। डेफकॉम इंडिया 2019 कहां पर आयोजित हुआ? वेयर वॉज द डेफकॉम इंडिया 2019 हेल्ड? नहीं, आई एम नॉट एट ऑल इन मूड ऑफ एंगर। सो डेफकॉम इंडिया 2019 कहां पर हुआ था? फरूक, पीयूष, शशिकांत, यस, एट कंट्रीज, हरिओम, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी करेंसी चेंज करी है टू शो दैट दे हैव ग्रोन अप, वो कॉलोनाइजेशन से ऊपर बढ़ गए हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी कंट्री का, वो अपने करेंसी का नेम चेंज किया है। दे आर एट साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। आंसर फॉर दिस इज न्यू दिल्ली। सो डेफकॉम इंडिया तो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, विच इज अ डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोग्राम, डिफेंस
लिटरेचर प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? डिफेंस लिटरेचर प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? दिस सेशन इज ऑलरेडी टेकन ऑन एकेडमी. सिद्धांत, दिस इज ऑलरेडी अ रिविजन सेशन एंड द मंथ ऑफ नवंबर आई वाज ऑन एन अकेड, सो डेफिनेटली आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ हुआ है. बिल्कुल सही, दिस सेशन वाज डन इन मंथ ऑफ नवंबर व्हेन आई वाज देयर. सो यस, यू ऑल माइट हैव सीन दीज क्वेश्चंस. डिफेंस लिटरेचर प्रोग्राम कहाँ हुआ था? लखनऊ. कुणाल सेज लखनऊ. इको इज द करेंसी नेम. यस, इको इज द करेंसी नेम. यूरो से मूव करके दे हैव चेंज द नेम, द करेंसी नेम टू इको, ब्रांड न्यू करेंसी फॉर देम. चंडीगढ़ लखनऊ. डिफेंस एक्सपो इज इन लखनऊ. बिल्कुल सही. सो डिफेंस एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज होगा लखनऊ में. डिफेंस लिटरेचर प्रोग्राम 2019 ऑर्गेनाइज हुआ था चंडीगढ़ में. सो लिटरेचर चंडीगढ़ में, डिफेंस एक्सपो लखनऊ में और डेफकॉम इंडिया वॉज इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर ट्रॉफी इन एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स 2019? एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी किसे दी गई थी? हुआ था नहीं होगा प्रदीप, इट वॉज इन 2020. अभी 2020 में फेब्रुवरी में ऑर्गेनाइज होगा वो. सो इट इज इन लखनऊ. यस, या इट विल बी हेल्ड इन लखनऊ. बेस्ट एक्टर ट्रॉफी इन एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स. वॉट इज द प्रोसीजर टू रिमेंबर दिस? प्रोसीजर इज कि जब मैं बोलती जाती हूँ तो ध्यान से सुनो और जरूरत पड़े तो लिख लो एंड देन रिविजिट देम. दैट्स इट. ओके, सो आंसर्स आर कमिंग फॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. ये शायद मैंने कल भी बताया था विद सम क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन, कार्डिफ इंटरनेशनल के साथ मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन कि कार्डिफ इंटरनेशनल फेस्टिवल का के अंदर अवार्ड मिला था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को. एशिया पैसिफिक के अंदर अवार्ड मिला मनोज वाजपेयी को. नेक्स्ट, बोगनवेल इज द प्रोविंस ऑफ विच कंट्री? बोगनवेल किस देश का प्रांत है, या बोगनवेल इज द प्रोविंस ऑफ विच कंट्री? गोल्डन ड्रैगन नवाजुद्दीन सिद्दीकी. बिल्कुल सही. पापुआ न्यू गुएना, ऑप्शन सी. क्यों न्यूज में है? व्हाई वाज इट इन न्यूज? क्यों न्यूज में चल रहा है ये? क्यों न्यूज में चल रहा है? पापुआ न्यू गुएना इज द राइट आंसर. यहाँ पे बोगनवेल प्रोविंस है विच हैड रिसेंटली ऑर्गेनाइज द रेफरेंडम, और जल्द ही इसका रिजल्ट, मतलब रिजल्ट वैसे आ गया है. मेजोरिटी हैव वोटेड कि हमें फ्री कंट्री चाहिए. अगर ये पापुआ न्यू गुएना के लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यस, रेफरेंडम टू मेक अ सेपरेट कंट्री. प्रेजेंटली भी एक ऑटोनॉमस कंट्री है, इन्होंने पापुआ न्यू गुएना के साथ पैक्ट भी साइन किया हुआ है, लेकिन उसे फुल इंप्लीमेंटेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए इन्होंने रेफरेंडम कंडक्ट करवाया. स्टेट कैबिनेट हैज मैंडेटेड सैनिटरी नैपकिन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज ऑफ विच स्टेट? टू बी इंडिपेंडिंग. ऑयल स्पिल इन पैसिफिक ओशन दैट हैड हैपन्ड. यस, वो गैलपागोस आइलैंड्स में हुआ था. फ्री कंट्री होने वाला है. यस, इट इज गोइंग. अभी प्रेजेंटली यस, वेटिकन सबसे छोटी कंट्री है, लेकिन अगर बोगनवेल को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो इट विल बी द स्मॉलेस्ट कंट्री. देन वेटिकन विल नॉट, नो लॉन्गर बी द स्मॉलेस्ट कंट्री. सैनिटरी नैपकिन्स किस स्टेट ने मैंडेटरी किए थे? केरला. केरला ऑल विद ऑप्शन ए, एंड ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग इन दिस.
असम के अंदर ये रेगुलेशन हुआ था कि सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर सैनिटरी नैपकिन्स शुड बी मेड मैंडेटरी. इट इज असम जहां पे ये पास हुआ है. सोना 1.5, अ ह्यूमनॉइड रोबोट पुट टू यूज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. सोना 1.5 एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यह किस संगठन द्वारा उपयोग करने के लिए रखा गया है? That's why you skipped, okay? Yes, mass murder हो गया इस क्वेश्चन में. I guess किसी ने बाद में मेरे आंसर बोलते ही किसी ने चेंज किया था. That was different. But apart from that, all of you with Kerala. Okay, answer for Sona 1.5. रेलवे कोच फैक्ट्री, बिल्कुल सही. इट इज रेलवे कोच फैक्ट्री जिसने सोना 1.5 ह्यूमनॉइड रोबोट को यूज में लगाया है. एंड दिस इज गोइंग टू बी यूज फॉर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर. डॉक्यूमेंट ट्रांसफर के लिए ये यूज में किया लिया जाएगा बाय द रेलवे कोच फैक्ट्री. केपी बॉट जो ये भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, या यू कैन से ये भी एक ह्यूमनॉइड है, केपी बॉट जो केरला स्टेट पुलिस ने यूज में लिया है. तो केपी बॉट इज अ कॉन्स्टेबल. केपी बॉट एक कांस्टेबल की रैंक पे है केरला स्टेट पुलिस के अंदर, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट वर्क के लिए ही रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बैन द सेल ऑफ जंक फूड इन स्कूल्स. किस राज्य सरकार ने स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बैन सेल ऑफ जंक फूड इन स्कूल्स. बिल्कुल लगाने वाले हैं राहुल. यस, केबी बॉट इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट. सुशील, यू डेफिनेटली आर क्वाइट लेट. नो, इट वाज कांस्टेबल्स पोजीशन. द लास्ट आई चेक्ड, कांस्टेबल पोजीशन पे है जो एफआईआर एंड ऑल के लिए था शायद. गुजरात ऑप्शन सी, ऑप्शन बी. गुजरात ऑप्शन सी. सो राजस्थान और गुजरात के बीच में कंफ्यूजन, मेजोरिटी गुजरात विच इज राइट. गुजरात ने जंक फूड स्कूल्स के अंदर सेल करने के लिए एंड उसके नियर बाय एरियाज में सेल करने के लिए बैन लगा दिया है. हु हैज बीन कन्फर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर की तरफ से? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है? दोज हु आर लेट, आई विल से कैच अप द पेस क्विकली. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप, या अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस या फिर वो स्टेट वाले क्वेश्चंस? विपिन बताया तो था, आई एम फ्रॉम राजस्थान. किरण मजमुदार शॉ, पीयूष ऑल ऑफ द अबव, शमली ऑप्शन डी, अभिजीत ऑल, स्नेहा ऑप्शन डी, अभिमन्यु ऑल. ओके, सो बेसिकली मेजोरिटी आर कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी. द आंसर इज ऑप्शन डी. सिरस एस पूनावाला, प्रकाश बाबा आमटे एंड किरण मजमुदार शॉ, तीनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है. इसके अलावा किरण मजमुदार शॉ इज दी रिचेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर. रिचेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर का दर्जा मिला है किरण मजमुदार शॉ को फॉर हर कंपनी बायोकॉन. इनकी कंपनी का नाम है बायोकॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, CTTX इज अ काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज. ये फुल फॉर्म है CTTX की. जरूर नास्क, फुल फॉर्म क्या है? CTTX की फुल फॉर्म है काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज. ये किन कंट्रीज के लिए है? विच कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड दिस?
क्वाड क्वाड कौन कौन सी कंट्रीज हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन क्वाड? क्वाड में कितनी कंट्रीज होती हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर अ मेंबर्स ऑफ क्वाड? ऑप्शन बी क्वाड क्वाड ऑप्शन बी दैट्स राइट. काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज क्वाड की पहली एक्सरसाइज है. क्वाड कंट्रीज ने कभी भी कोई एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं करी है. इट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दे आर कंडक्टिंग एंड समवन हैड टोल्ड. ऊपर नाम भी किसी ने बताया. दे आर फोर कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ क्वाड: इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू ऑफर ब्लॉकचेन पावर्ड सर्टिफिकेट्स? ब्लॉकचेन संचालित प्रमाण पत्र देने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू ऑफर ब्लॉकचेन पावर्ड सर्टिफिकेट्स. एड्रेस तो यहाँ किसी को नहीं पता. फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू ऑफर ब्लॉकचेन पावर्ड सर्टिफिकेट्स. ऑस्ट्रेलिया. +3. दैट वाज स्मार्ट वन. ओके, डिजिटल गुरुकुल सेज अभिमन्यु कृष्ण. ऑप्शन बी शहजाद, शमली, सोनू. ओके, सो ऑल विद डिजिटल गुरुकुल. सिद्धांत, सुजीत, ऑल आर राइट. डिजिटल गुरुकुल इज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट विच ऑफर्ड ब्लॉकचेन पावर्ड सर्टिफिकेट्स. विच मिलिट्री यूनिट हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? किस स्टेट पुलिस को मिला है? स्टेट पुलिस का भी बताया था, किसी स्टेट पुलिस को भी मिला था रिसेंटली. सो विच स्टेट पुलिस हैज बीन एंड विच मिलिट्री यूनिट हैज बीन अवार्डेड प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? किस सैन्य इकाई को राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और किस स्टेट पुलिस को मिला है? दोनों के आंसर देने हैं. विच स्टेट पुलिस एंड विच मिलिट्री यूनिट हैज बीन गिवन प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? स्नेहा, ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को जब इस तरह से लॉक, इस तरह से शेयर या चेन आउट किया जाए कि उसे सब देख सकते हैं, सब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोई उसे निकाल नहीं सकता इंफॉर्मेशन, या उसे डिलीट नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन, दैट इज अ ब्लॉक चेन. एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई तो दैट इज स्टोर्ड फॉर एज लॉन्ग एज इट इज देयर. इंडियन नेवल एकेडमी, गुजरात. बिल्कुल सही. सो दो आंसर्स हैं, दोनों सही हैं. इंडियन नेवल एकेडमी को मिलिट्री यूनिट के अंदर प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला और स्टेट के अंदर गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है. दैट्स राइट. नेक्स्ट, विच सिटी हैज बिकम इंडिया फर्स्ट सिटी टू इंस्टॉल आरटीपीसीआर मशीन्स? आरटीपीसीआर मशीन्स इंस्टॉल करने वाला पहला शहर कौन सा है? पहला शहर जिसने आरटीपीसीआर मशीनों को स्थापित किया है. ओके, सो आंसर्स, कोलकाता एज फॉर नाउ स्किप. ओके, मेजोरिटी आर गोइंग विद कोलकाता एंड दैट इज राइट. कोलकाता के अंदर आरटीपीसीआर मशीन्स लगाई गई हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम मलेरिया, मॉस्किटोज प्रिवेंशन के लिए. आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? आरटीपीसीआर स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. दोस्त जो बीटेक वाले हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, दे ऑल माइट बी अवेयर ऑफ दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एल्बेंडाजोल टैबलेट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? एल्बेंडाजोल टैबलेट का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तुषार, आई कैन नॉट कैटेगराइज थिंग्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म पे मैं इंफॉर्मेशन कैटेगराइज नहीं कर सकती हूँ एट प्रेजेंट, बिकॉज क्लैट के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है यहाँ पे. सो ऑल आई कैन डू इज आई कैन प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस.
यू नीड टू पुट इन सम एफर्ट्स, एंड अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू नो माई सोशल मीडिया हैंडल्स, आपको दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पता है, वन ऑफ विच यू कैन कम्युनिकेट ऑन, तो आप उस पर पोस्ट कर दो वट एवर क्वेरीज एंड आई आंसर यू देयर. सो आंसर ऑप्शन ए और सी के बीच में चल रहा है, ब्रुसेलोसिस या फिलेरियासिस या फुट एंड माउथ डिजीज. तीनों डिजीज न्यूज में रही हैं, देयर आर तीनों डिजीजेस हैव बीन क्वाइट इन न्यूज. रीसेंट वन इज फिलेरियासिस, इसीलिए एल्बेंडाजोल टैबलेट फिलेरियासिस से एसोसिएटेड है. फिलेरियासिस के इरेडिकेशन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रोग्राम्स लॉन्च करे थे काफी सारी, दैट दे विल इरेडिकेट फिलेरियासिस बाय 2020. सो उसके लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट्स वर गिवन और स्प्रेड आउट इन अ इजी मेथड सो दैट फिलेरियासिस कैन बी सॉल्व आउट इजिली. फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस, ये दोनों डिजीज किस वजह से फेमस थे? बिकॉज ऑफ नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NADCP. तो ऑल ओवर इंडिया NADCP प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, 2025 तक वैक्सीनेशन कंप्लीट हो एंड 2030 तक कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस इन कैटल. कैटल्स में ब्रुसेलोसिस ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज की इरेडिकेशन के लिए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. विच स्टेट गवर्नमेंट, ओके वेट, फरूक इज आस्किंग फिलेरियासिस क्या है. फिलेरियासिस इज अ डिजीज जिसमें स्केली स्किन हो जाती है, या यू कैन से रैशी स्किन हो जाती है, दैट इज अ फिलेरियासिस डिजीज. नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 5% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब्स. किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खेल से संबंधित व्यक्तियों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? प्रदीप, आई एम सो सॉरी बट दे आर नॉट इंटीमेटिंग मी द एग्जैक्ट टाइम. मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं इंटीमेट कर रहे हैं, सो आई कैन नॉट अश्योर यू फॉर नाउ दैट व्हेन दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अनदर कोर्स विद मी. सो 5% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब्स, MP, ये बिल्कुल याद होगा सबको. ये स्कूल्स में दी जा रही है, पहले बच्चों से शुरू करा है, बिल्कुल सही. सो आंसर फॉर दिस MP, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वालों को तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता होगी. MP के अंदर ये 5% रिजर्वेशन पॉलिसी आई है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर. यूनिक यूनिफाइड आंसर फ्रॉम योर एंड. विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सेलिब्रेट्स द सांगाई फेस्टिवल? सांगाई फेस्टिवल कौन सा उत्तर पूर्वीय राज्य मनाता है? सिंपल क्वेश्चन है, 10% है. आई विल चेक दैट सिद्धांत एंड लेट यू नो बाय टुमोरो. डेफिनेटली आई विल चेक दैट अगर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिसमैच्ड है तो. VIK सपोर्ट काफी टाइम बाद दिखा है. विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सेलिब्रेट्स द सांगाई फेस्टिवल? सिद्धांत, आई विल डेफिनेटली चेक दैट आउट एंड लेट यू नो बाय टुमोरो फॉर श्योर, फॉर श्योर. सो मणिपुर, मिजोरम, दो आंसर्स. अनुभव मणिपुर, सुरेश मणिपुर. लॉट ऑफ फेस्टिवल्स है जो मणिपुर से रिलेटेड है, वन ऑफ विच इज सांगाई फेस्टिवल, ये मणिपुर से रिलेटेड है. हॉर्नबिल फेस्टिवल किससे एसोसिएटेड है? हॉर्नबिल फेस्टिवल एक और फेस्टिवल है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद नागालैंड. सो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, सांगाई फेस्टिवल मणिपुर के अंदर एंड शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर के अंदर. हरिओम, हैव यू चेक दैट? देन इट्स 5%. एज फार एज आई रिमेम्बर इट वॉज 5, बट रेस्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक अगर आप लोग बोल रहे हैं तो. वेन इज द नेशनल लॉ डे ऑब्जर्व? नेशनल लॉ डे कब होता है? वेन इज नेशनल लॉ डे ऑब्जर्व? आकाश, आज तो बहुत लेट हो. सो वी हैव आंसर सोनू, गुलशन, रवि, शमली, सुजीत एंड सो मेनी मोर गोइंग विद 26th नवंबर. आई हैव कैट लास्ट ईयर, आई कुंड आंसर इट.
ओके वेल नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन दिखे तो गलत नहीं होना चाहिए. इट इज सपोज टू बी 26th ऑफ नवंबर, नेशनल लॉ डे, या जिसे कहते हैं संविधान दिवस. इसे संविधान दिवस भी कहते हैं या नेशनल लॉ डे भी कहते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन हैड बिगन. नेक्स्ट, वाटर टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल वाटेक कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री? जल प्रौद्योगिकी और पर्यावरण नियंत्रण यानी WATEC सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया था? वाटेक कॉन्फ्रेंस जो है, दिस वॉज कंडक्टेड इन दैट कंट्री, उस कंट्री में कंडक्ट किया गया था विच इज अ आइडियल कंट्री. आइडियल कंट्री है जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन के बहुत सारे मेजर्स भी लिए गए हैं. अभिमन्यु, आई टू एम वेटिंग, मैं भी वेट कर रही हूँ. ऑप्शन डी इजराइल. ओके, सो आंसर्स आर कमिंग फॉर इजराइल. दैट्स राइट, इजराइल एक आइडियल कंट्री है इसके लिए. यहाँ पे बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं एंड काफी सारे ड्रिप इरिगेशन एंड अदर सच वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन देयर. विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम आवास पोर्टल? किस मंत्रालय ने हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी आयोजन योजना आवास पोर्टल शुरू किया है? CLCS स्कीम के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये CLCS स्कीम से लिंक्ड है, उसी के एक सब पार्ट रिलीज किया है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम आवास पोर्टल. और ये किसने लॉन्च किया है? यस, इसे वाटर हीरो भी कहते हैं, बिकॉज द थिंग्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड. इसराइल ने जो वाटर कंजर्वेशन के लिए, ऑल्दो उनके पास कोई वाटर सोर्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने वाटर इम्प्लीमेंटेशन को काफी रिड्यूस किया है, कंट्रोल किया है, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग. हाउसिंग एंड अर्बन, ऑप्शन सी. इजी टू गेस, यस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने CLCS से लिंक्ड एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम आवास पोर्टल लॉन्च किया है. इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ है? भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, या वेयर इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? CLCS स्कीम MSMEs के लिए है. बिल्कुल सही नवीन. राम, दिस इज दी पेस वी टेक फॉर कीपिंग एवरी वन इन माइंड, सो आई कैन नॉट गो मच फास्टर देन दिस बिकॉज देर आर द स्टूडेंट्स एज वेल. ओके, सो आंसर ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए हैदराबाद, दो के बीच में, एंड सम विद ऑप्शन डी मुंबई एज वेल. द आंसर इज हैदराबाद. हैदराबाद में इंडियन रेलवेज ने अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है जिसका नाम है इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, या इन विच स्टेट इज गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड? छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी. ऑप्शन ए राजस्थान. छत्तीसगढ़ मेजोरिटी आर विद ऑप्शन सी, कुछ गुजरात और कुछ राजस्थान के साथ भी हैं. छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर. गुरु घासीदास पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है. इसे छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली टाइगर रिजर्व बना दिया है. इसका अप्रूवल पहले हो चुका था, लेकिन नाउ इट हैज बीन मेड फाइनली इनटू अ टाइगर रिजर्व. फाइनली से टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, दैट इज व्हाई दिस पार्क इज इन न्यूज. इसे टाइगर रिजर्व बनाया है, इसीलिए ये न्यूज में भी है. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB इज एन इंसर्जेंट ग्रुप बेस्ड इन विच स्टेट? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB किस राज्य में स्थित एक विद्रोही समूह है?
असम, तमिलनाडु, मेजॉरिटी ऑप्शन ए नागालैंड, कुछ असम और कुछ तमिलनाडु के साथ। द आंसर ऑफ दिस इज असम। एनडीएफबी जो है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो असम के अंदर बेस्ड है, हेडक्वार्टर्ड इन म्यांमार। इसका हेडक्वार्टर या यू कैन से बेसिक ओरिजिन ऑफ कंट्रोल म्यांमार में है, बट एनडीएफबी इंडिया में असम में बेसिकली फंक्शन करता है, मिलिट्री ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप है। एंड इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से एक्सटेंडेड बैन लगा दिया है, दोबारा से इसके ऊपर जो बैन था वो एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज सीन ओवर हियर, बोडो फाइटर्स इन असम फॉर द बोडो कम्युनिटी एज दे से। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, या 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड टू बी अवॉर्डेड द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड? अजीत, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ओके, हिमलता की थम, ओके, सो वील गो विद ऑप्शन सी एज द मेजोरिटी गोज। अकीथम इट हैज बीन सेलेक्टेड एज द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 18th वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन ऑर्गेनाइज्ड? वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? हरिथा, यस डेफिनेटली आई एम देयर। सो 18th वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? क्विक, क्विक, क्विक। राज इज ऑप्शन ए, मिथुल रियो, और शहजाद ऑप्शन ए। द आंसर इज रियो डे जनेरियो। रियो डे जनेरियो में वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। वेल, सैडली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बिकॉज द टाइम्स अप। सो लास्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ 13 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू रिव्यू नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2017। राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 की समीक्षा करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित 13 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुकुंदकुम शर्मा, शर्मा जी का बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। वेल, ऑल दीज आर मेंबर्स, ये सब मेंबर्स हैं, लेकिन जस्टिस मुकुंदकम शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन। नेशनल स्पोर्ट्स को 2017 में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन इसे रिव्यू पे डाला गया है, इट इज ऑन रिव्यू राइट नाउ। एंड उस रिव्यू को या उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए 13 मेंबर कमिटी कंडक्ट या बनाई गई है बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज किरण रिजिजू। सो किरण रिजिजू ने ये 13 मेंबर कमिटी इंस्टीट्यूट करी है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बिकॉज द टाइम्स अप फॉर अस। सो विल सी टुमारो, मे बी करंट ही लेके आए रिविजन, फिर कभी अगर बचेगा तो बचा है जो विल सी इट लेटर ऑन, बट टुमारो विल हैव द रेगुलर सेशन। ओके, सो नेशनल स्पोर्ट्स कोड, एक स्पोर्ट्स कोड जो बाकी सारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, आर्चरी एसोसिएशन है, बीसीसीआई है, या जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस है, उन सबको एक अम्ब्रेला या एक कोड के अंदर लेके आता है, एक रेगुलेशन के अंदर लेके आता है, दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स कोड। सो विल लीव यू फॉर नाउ, होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल एंड विल सी यू टुमोरो। डू लाइक द वीडियो, इफ यू डू लाइक इट देन प्लीज डू प्रेस दैट लाइक बटन एंड विल सी यू टुमोरो। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।